लोकसभा चुनाव 2024 और कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है राजनीति के गलियारों से। दरअसल कांग्रेस की मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेड़ा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, इस बात की बड़ी खबर, कांग्रेस की मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेड़ा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हम आपको बता दें, कल ही जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष थे अरविंदर सिंह लवली, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और कुछ दिन पहले उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पद से दिल्ली के उन्होंने इस्तीफा दिया था। ऐसे में अब कांग्रेस को एक बड़ा झटका और लग रहा है। मैं एक बार आपको फिर से बता दूं, कांग्रेस की मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेड़ा ने पार्टी के पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, मीडिया कोऑर्डिनेटर कांग्रेस की जो है राधिका खेड़ा, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। मैं आपको बता दूं, आज खबर यह भी आ रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने अमित शाह से मुलाकात के लिए समय मांगा है। जी हाँ, जहां एक तरफ पंजाब से कांग्रेस के लिए दुख की खबर सामने आती है, तो वहीं दिल्ली से भी खबर दुख की सामने आती है। नवजोत सिंह सिद्धू जहां भाजपा में शामिल हो सकते हैं, तो वहीं कांग्रेस की मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेड़ा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अब ऐसे में लोकसभा 2024 के चुनावों में कांग्रेस इतनी मुश्किलों के साथ कैसे अपनी जीत दर्ज कर पाएगी? मैं आपको बता दूं, जो सूत्र आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि राधिका खेड़ा भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है और वो बीजेपी में जल्द शामिल भी हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो बड़े नेता थे और कांग्रेस का साथ जो देते आ रहे थे काफी लंबे समय से, वो अब कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में जाते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है ये। मैं आपको एक बार फिर से आपको बता दूं, कांग्रेस की मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेड़ा ने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब ये देखने वाला दिलचस्प होगा कि 2024 की लड़ाई कांग्रेस आखिरकार अकेले कैसे लड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस के जो साथी थे वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं साथ छोड़कर दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।